लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 4 का एक्सरसाइज 12 जो आपकी चल रही थी उसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपको करना है ऐड एंड सबट्रैक्ट। ऐड भी है और सबट्रैक्ट भी है, मिक्स है यहां पे। आपको कहां ऐड करना है कहां सबट्रैक्ट करना है ये आप चेक करोगे, क्वेश्चन को पढ़ के आप पता करोगे और उसके बाद में उसको सॉल्व करोगे। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ए मोहन हैज रुपीज 37,375,340 इन हिज बैंक अकाउंट। ही डिपॉजिटेड रुपीज 132,780 एंड विथड्रॉ रुपीज 240,560। हाउ मच मनी इज देयर इन हिज बैंक अकाउंट। हमें ये पता करना है कि उसके बैंक अकाउंट में कितने रुपीज हैं, कितने मनी हैं। ओके मोहन के अकाउंट में इतने रुपए थे तो यहां देखो मोहन मोहन अकाउंट कितना अमाउंट था उसके मोहन के अकाउंट में 375,340 रुपीज इतना अमाउंट था पहले से। उसके बाद भी डिपॉजिट मनी 132,780 इतना परसेंट डिपॉजिट कराए। ओके टोटल अमाउंट और मैं इसका करता है टोटल अमाउंट मींस ऐड करना इसको 0, 4, 8, 12, 2 वन इज कैरी वन। ओके वन इज कैरी देन 4 and 7, 11, 1 वन अगेन कैरी 6 and 6, 2, 8 ओके 7, 3, 10, 0 ओके नेक्स्ट इज 4, 1 कैरी अगेन 4, 1, 5 ओके फ्रेंड्स इतना अमाउंट तो उसके अकाउंट में आ चुका डिपॉजिट कराने के बाद। अब हमें ये पता करना है कि एंड विड्रॉ फीस इतना और उसमें से इतने विड्रॉ करा लिए तो उसके पास कितना अमाउंट बचा। तो ये जो अमाउंट है टोटल अमाउंट है। ओके फ्रेंड्स टोटल अमाउंट है हमारे पास 5,08,120। ओके फ्रेंड्स इतना अमाउंट था, उसने विड्रॉ कितना करवाया, विड्रॉ 2,40,560। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट लेफ्ट अमाउंट जो बचा हुआ पैसा वो कितना बचा है उसके पास, वो मैं फाइंड आउट करूं। लेफ्ट अमाउंट सबट्रैक्ट करो यहां 0 आ जाएगा, यहां 1 के लिए 12 over 12, 6, 6 हो जाएगा, यहां हो गया हमारा 10, 10 में से 5 सबट्रैक्ट करेंगे 5 हो जाएगा, यहां 7, 7 एज इट इज। ओके यहां 10 अगेन बिकॉज़ वी हैव बोरो 1 फ्रॉम दिस साइड, इस साइड से हमने बोरो लिया 1 तो यहां 10 हो गया, 10 में से सबट्रैक्ट करेंगे 6। ओके फ्रेंड्स अब यहां 4, 4 में से सबट्रैक्ट करेंगे 2, इतना अमाउंट उसके पास बचा। ये तो हो गया इसका ए पार्ट। इसी टाइप से आपको करो आपको करना बी पार्ट। बी पार्ट में भी सेम उसी टाइप से करना है। यहां पर हम करा दे रहे हैं बी पार्ट क्या है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज इतना, 3 नंबर का सम तो आपको इतना दे रखा है। इफ 2 ऑफ देम आर इतना एंड इतना, दो नंबर आपको ये दे रखे हैं कितने 12,769, 21,587 ये दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, थर्ड वाला हमें फाइंड आउट करना है। तो थर्ड वाला कैसे फाइंड आउट होगा, अगर हम इन दोनों को ऐड करने के बाद इस नंबर्स में से माइनस कर लें तो थर्ड अमाउंट बचेगा। ओके स्टूडेंट्स तो यहां पे लिखो फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू कितना हमारे पास 1,12,769 एंड सेकंड नंबर है हमारे पास 21,587। ओके स्टूडेंट सबट्रैक्ट करो सॉरी ऐड करना है तो क्योंकि ये दोनों नंबर तो हमारे पास है ऑलरेडी। ओके इन दोनों को ऐड करने के बाद इसमें से सबट्रैक्ट करना बाद में। तो पहले तो ऐड करो इनको 9, 7, 16, 6, 1 कैरी ओके 7, 8,
7, 8, 15, 5, 1 कैरी अगेन 8, 8, 5, 13, 3, 1 कैरी अगेन 3, 1, 4, ओके एंड 3, ये आपका हो जाएगा ऐड। ऐड करने के बाद दोनों नंबर का सम इतना आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या होगा? सम ऑफ थ्री नंबर, यहां से लिखेंगे सम ऑफ थ्री नंबर। थ्री नंबर का सम कितना दे रखा है? ये दे रखा है 57,856 माइनस सम ऑफ टू नंबर 34,356। सम ऑफ टू नंबर और यहां पर लिखो थर्ड नंबर, जो आपका आंसर आएगा थर्ड नंबर आएगा। क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या आंसर आएगा? जीरो यहां हो गया, जीरो यहां हो गया, फाइव हो गया, 7, 4, 3 एंड 5, 3, 2 कितना आंसर हो गया हमारा? कितना? 23,500। ये आपका कौन सा है? थर्ड नंबर ये आपका आ गया। नेक्स्ट सी पार्ट। सी पार्ट और डी पार्ट दोनों सेम है, सेम तो सारी पार्ट है। सी पार्ट आपको बता दे, डी पार्ट आपके लिए दे देंगे होमवर्क में। ओके स्टूडेंट्स, पॉज का वीडियो है, नोट इट डाउन, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कराने के लिए स्पेस कम है। ओके स्टूडेंट्स, नंबर सी पार्ट क्या हमारे पास? काउंट एज अ पॉपुलेशन ऑफ 96,349 पीपल। एक टाउन की पॉपुलेशन है इतनी, ओके 96,349 पीपल ऑफ बीस 20,112 ड्रिंक टी। इतने लोग हैं 20,112 जो चाय पीते हैं, टी ड्रिंक करते हैं, एंड 32,907 ड्रिंक कॉफी, है ना, कॉफी पीते हैं। Why rest of them drink neither tea nor coffee? Okay students, ना तो इनमें से कॉफी पीते हैं ना ही टी पीते हैं, ऐसे कितने लोग हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले ड्रिंक टी एंड कॉफी दोनों को हम ऐड करेंगे और टोटल पॉपुलेशन है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कितने पीपल हैं ना तो चाय पीते ना ही कॉफी पीते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल ड्रिंक टी, टी वाले कितने हैं? 32,907। ओके, नंबर ऑफ पीपल ड्रिंक कॉफी, कॉफी वाले कितने हैं जो कॉफी पसंद करते हैं? ये हैं आपके कितने? तो ड्रिंक टी, टी वाले कितने हैं? 20,112। ओके, कॉफी वाले 32,907। अब इनको ऐड कर देना है। ओके, ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद क्या आंसर आएगा आपका? करो 279,190,035। ओके स्टूडेंट्स, कितने पीपल हैं, कितने लोग हैं जो चाय पीते हैं और कॉफी पीते हैं? अब टोटल पॉपुलेशन है, हम लोग टोटल पॉपुलेशन ऑफ ग्लेस टोटल पॉपुलेशन ऑफ ग्लेस टाउन है। ओके स्टूडेंट्स, टाउन कितने लोग हैं उसमें? टाउन में 96,349। ओके, ड्रिंक टी एंड कॉफी पीपल ड्रिंक टी एंड कॉफी कितने? 53,019। ओके, सब्ट्रैक्ट यहाँ जीरो हो जाएगा, 3, 3, 3, 4 ये हो जाएगा। पीपल यहाँ लिखो पीपल नॉट ड्रिंक टी नॉट कॉफी
नो कॉफी, ओके स्टूडेंट्स, ये आपके इतने पीपल हैं जो कि ना तो कॉफी पीते ना ही टी पीते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन आपके एबीसी पार्ट आपने सॉल्व कर, हमने सॉल्व कर दिए हैं। आपको डी पार्ट का होमवर्क आपको सॉल्व करना है, जिन बच्चों का ग्रुप नहीं है वो वीडियो के लास्ट में आप डी पार्ट डी क्वेश्चन देख लेगा, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको ये देखना है ऐड किसको करना है और किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये जैसे टी कॉफी वाला क्वेश्चन है, इसमें आप सपोज करो आपके फैमिली में 10 मेंबर है, ओके, तीन चाय पीते हैं फोर कॉफी पीते हैं। अब इतने कैसे बच्चे जो ना तो चाय पीते ना कॉफी पीते हैं, तो 3, 4, 7 और 10 में 7 माइनस करो क्या बचेगा आपके पास 3। तो 3 लोग ऐसे हैं जो कि ना तो चाय पीते ना ही कॉफी पीते हैं। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लोगे इन क्वेश्चंस को, ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।